कृषि इनपुट अनुदान के लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन आज से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। हालांकि आप लोग का जो डेट था वो 10 तारीख था, लेकिन आज से यानी कि 11 तारीख से आप लोग का जो कृषि इनपुट अनुदान है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे किसान होंगे जो कि यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि आप खुद से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर आपके घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसके माध्यम से आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। एक बार जो है आप पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का गलती नहीं होगा और आप लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो देखकर ही आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो डीबीटी एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आना है। अगर आप लोग को इस वेबसाइट का लिंक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC, आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहले जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है, फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2023, तो इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से पोस्ट ओपन होगा, इसमें मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे रखा है, आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है और फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आवेदन करने का एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आप लोग को आवेदन करने का ऑप्शन मिलता है कृषि इनपुट रबी, तो यहाँ पे जो है आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जनरल यूजर सेलेक्ट करना है, फिर आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर से ये जो वेबसाइट है वो रीलोड होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, आप लोग को अपना जो पंजीकरण संख्या यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोग वहां पे डालना है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी जो आवेदन लिया जा रहा है वो 299 पंचायतों के लिए लिया जा रहा है। इस पे मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दे दिया है कि कौन कौन सा पंचायत है, पंचायत लिस्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो उसी पंचायत से अगर आप है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना जो यहाँ पे पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कीजिएगा तो वहां पे जो है आप लोग का शो कर देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है या फिर आप लोग का जो पंचायत है वहां पे घोषित नहीं हुआ है। अब आवेदन करने से पहले कुछ आप लोग वहां पे ध्यान रखना है, नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे जो कुछ आप लोग का जानकारी दिया गया किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि आवेदन प्राप्ति की जो तिथि है वो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल यानी कि 10 दिन आप लोग वहाँ पे आवेदन चलने वाला है। आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई त्रुटि होता है तो आप जो है 48 घंटे के अंदर जो है उसका सुधार कर सकते हैं। अगर 48 घंटे तक आप लोग यहाँ पे सुधार नहीं करते हैं तो बाद में जो है आप लोग वहाँ पे सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बाद में संबंधित जो किसी समन्वयक होंगे उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आप लोग का एप्लीकेशन। इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। अंतिम तिथि के बाद जो है आप लोग कोई भी अपडेट नहीं किया जा सकता है, इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पे बताएगा कि यह योजना अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए यानी कि 494 डिसमिल जमीन अगर आपके पास है तो उसके लिए आप लोग को वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे बताया दोस्तों कि किसान का परिवार जैसे कि यहाँ पे पति पत्नी और जो वयस्क बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे ये लाभ दिया जाएगा, इस बात का आप लोग को वहाँ पे ध्यान रखना है। कृपया आवेदन में किए गए सुधार को पुनः जांच लें, बार बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दोबारा संभव नहीं होगा, तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है कि एक बार ही आप लोग का सुधार होगा, दोबारा आप लोग का सुधार नहीं होगा। इसमें जो है आप लोग का कौन कौन सा फसल रहेगा, तो गेहूं, रबी दलहन, रबी तेलहन, सब्जी, शाश्वत फसल, गन्ना और अन्य फसल जो है इसमें आप लोग का क्षति हुआ है, तो इन सभी फसल के लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग का खुद का जमीन नहीं है, आप किसी के दूसरे के जमीन करते हैं, आप बटाईदार के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का स्वघोषणा प्रमाण पत्र दिया गया है, इसको आप लोग को डाउनलोड करना है और इसको आप लोग को भरकर जो है अपने यहाँ पे किसान सलाहकार और यहाँ पे जो वार्ड सदस्य है उन दोनों में से किसी एक से जो है आप लोग वहां पे सिग्नेचर करवाना होगा, मुहर करवाना होगा और फिर आप लोग वहां पे अपलोड करना होगा, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि आपका खुद का जमीन है तो आप लोग के जमीन का जो यहाँ पे रसीद होता है या फिर LPC है दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग वहां पे तैयार रखना है, क्योंकि वो जो है आप लोग वहां पे अपलोड करना होगा। आप लोग का जो यहाँ पे रसीद और LPC रहेगा वो 2022 का होना चाहिए, 2022-23 का होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पंजीकरण संख्या डालकर सर्च पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ऊपर जो है आप लोग का किसान का सारा डिटेल आ जाएगा, नीचे आप लोग का कुछ इस तरीके से शो कर देगा कि अपने परिवार का सही विवरण आप लोग वहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो पति पत्नी को यहाँ पे लाभ नहीं मिलता है, साथ में उनके जो बच्चे होंगे, जो यहाँ पे वयस्क बच्चे होंगे उनको भी यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा, तीनों में से किसी एक को जो है यहाँ पे आप लोग का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सदस्य का संबंध आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है आप लोग का माता पिता पति पत्नी या फिर वयस्क बच्चे किसका आप यहाँ पे नाम डालना चाहते हैं वो आप लोग को डालना है। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि आप अपना माता का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ये सिलेक्ट करना है, फिर जीवित है या फिर मृत है वो आप लोगों को बताना है, उसके बाद उनका यहाँ पे आधार नंबर
डालना है, उसके बाद यहाँ पे उनका जो नाम है वो आप लोग को लिखना है, और फिर उनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर डालते हैं, फिर नाम डालते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो आप लोग का इस आधार कार्ड से रजिस्टर रहेगा, उसको आप लोग वहाँ पे डालकर जो है सेव पे क्लिक करना है। फिर आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किसी और का डिटेल डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे माता पिता, तो उनका यहाँ पे डिटेल आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप लोग वहाँ पे नीचे करना है। सभी में जो है सेम प्रोसेस रहेगा कि आप लोग को उनका जो है आधार से ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तभी आप लोग वहाँ पे सेव होगा। किसी एक का जो है आप डिटेल डाल दीजिएगा, फिर आप लोग को छोड़कर जो है नीचे आना है। यहाँ पे देख पाओगे किसान का प्रकार आप लोग को बताना है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कितना जो है जमीन है, तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है 300 डिसमिल जमीन, तो 300 डिसमिल यहाँ पे आप लोग को डाल देना है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग का किसान का प्रकार सेलेक्ट करना है कि आप जो है रैयत किसान है या फिर गैर रैयत है, या फिर जो है आपका खुद का भी जमीन है और किसी और का भी जमीन कर रहे हैं, तो आप जो यहाँ पे स्वयं भूधारी और वास्तविक खेतिहर दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पे जो है अगर खुद का जमीन है तो स्वयं यानी कि भूधारी आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आप लोग वहाँ पे जो है क्षति का कारण सेलेक्ट करना है, तो एक ही आप लोग का आएगा, इसको आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोग वहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग को अपना जो है फसल का नाम सेलेक्ट करना है कि आपका क्या नुकसान हुआ है। मान लीजिए गेहूं नुकसान हुआ तो गेहूं आपको सेलेक्ट करना है। फिर जमीन का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे जो है सिंचित है या फिर असिंचित है। अगर असिंचित है तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो सिंचित है तो ये सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारा जमीन सिंचित है या फिर असिंचित है, तो आप अपने जो किसान सलाहकार है उनसे पूछ सकते हैं, वो आप लोग वहां पर जानकारी दे देंगे कि आपका जमीन सिंचित है या फिर असिंचित है। फिर आप लोग वहां पर थाना नंबर डालना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब डालना है। अगर आप लोग वहां पर जो है गैर रैयत किसान रहता है, तो मैं आप लोग वहां पर दिखा देता हूं, अगर आप लोग का गैर रैयत किसान रहता है तो आप यहां पर जो खाता नंबर, थाना नंबर, ये सब नहीं भी डालिएगा तो भी आप लोग का चलेगा। यहां पर जो कितना फसल आप लोगों ने गेहूं का लगाया था वो आप लोग को बताना है। मान लीजिए 200 डिसमिल मैंने जो यहाँ पे गेहूं लगाया था, तो 200 डिसमिल यहाँ पे गेहूं लिख देना है। फिर आप लोग का कितना क्षति हुआ है 200 डिसमिल में वो आप लोग को बताना है। मान लीजिए 200 डिसमिल में मेरा 150 डिसमिल जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो वो आप लोग वहाँ पे बताना है। टोटल कितना आप लोग को पैसा मिलेगा वो आप लोग वहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप लोग का टोटल 300 डिसमिल यहाँ पे आप लोगों ने जमीन लगाया है, तो मान लीजिए कि और भी आप लोग का क्षति हुआ है, तो एड न्यू रो पे आप क्लिक कीजिएगा और फिर से आप लोग को सेम डिटेल डालना है। यहाँ पे गेहूं की जगह पर आप जो दूसरा फसल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फसल आपका नुकसान हुआ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। बगल के जो किसान होंगे उनका आप लोग वहाँ पे नाम लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। दो किसान का आप लोग का जो नाम है वो आप लोग वहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पे जो है सारा कुछ आपको टिक करना है और यहाँ पे ये कैप्चा डालकर आप लोग को गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इससे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालना है और फिर आप लोग वहाँ पे जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोग का जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो करने के लिए नीचे आप लोग का आ जाएगा, तो फिर आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप गैर रैयत किसान है तो आप लोगों को जो स्वघोषणा पत्र मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से, इसको आप लोग वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप रैयत किसान है तो आप लोग वहाँ पे एलपीसी या फिर रसीद जो होगा वो आप लोग वहाँ पे अपलोड करना है। अगर मान लीजिए आप रैयत और गैर रैयत दोनों किसान है, यानी कि खुद का भी जमीन है और दूसरे का भी जमीन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप लोग को जो यहाँ पे स्वघोषणा पत्र है वो भी अपलोड करना होगा और यहाँ पे जो एलपीसी और रसीद है वो भी आप लोग वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना है और इस तरीके से आप लोग वहाँ पे आवेदन होगा। मैंने आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।